रेसिपी देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस बेल को जरूर दबाइए ताकि आप मेरी आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका त्यागी है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो भाई गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा बनाकर इंजॉय किया जाए, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेनिला आइसक्रीम की रेसिपी। और ये वेनिला आइसक्रीम हम बनाने वाले हैं घर के दूध से, हम इसके लिए मार्केट से लेकर कोई भी क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम आपकी इस तरीके की बनकर तैयार होगी, जो कि एकदम आपके मुंह में डालते तुरंत मेल्ट हो जाने वाली होगी। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे फटाफट से यम्मी वेनिला आइसक्रीम की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है। जो भी दूध आपके घर में आता है उसी का आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को उबालने के बाद जैसे इसके ऊपर इस तरीके से मलाई आती है तो इस मलाई को आप यहाँ से निकाल लें और एक छलनी के अंदर डालते जाइए। नीचे मैंने एक बाउल लगा लिया है, तो इस तरीके से आप मलाई को निकाल लें, इकट्ठा करते रहिए। आप इसी दूध को एक बार फिर से उबाल कर इसकी मलाई निकाल सकते हैं। और दूध के ऊपर मोटी सी मलाई किस तरीके से बनाई जाती है तो उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस तरीके से हल्के हाथों से हम इसको छान लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से आपको इसे नहीं छानना, बिल्कुल हल्के हाथों छान लिया आप इसे। अब इसे छान लेने के बाद जो हमारा छलनी के ऊपर निकलता है तो ये हमारा डबल फैट है, आप इसे किसी अलग बाउल के अंदर इकट्ठा कर लीजिए। आप इससे मक्खन बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो छलनी के नीचे हमारा निकलता है तो ये हमारा सिंगल फैट है, इसकी आवश्यकता हमें आइसक्रीम बनाने के लिए पड़ेगी, डबल फैट की आवश्यकता हमें नहीं है। तो यहाँ पर मैं 2 दिन के दूध से इतना यहाँ पर ये सिंगल फैट इकट्ठा कर पाई हूँ। तो इसी तरीके से आप इसे इकट्ठा करते रहिए और फ्रीज के अंदर रखते रहिए। अब हम इसको यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसे चिल्ड कर लीजिए, उसके बाद में आप इसे आइसक्रीम बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसे 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख कर छोड़ दूँगी। अब 1.5 घंटा हो चुका है और 1.5 घंटे के अंदर हमारी क्रीम अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, एकदम चिल्ड हो चुकी है। तो इसे फेंटने के लिए आप चाहें तो बैलून विस्क का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सी के अंदर भी फेंट सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से फेंट सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हैं। तो इसे मैं आज यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बनाऊँगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो आप इसके नीचे थोड़े बर्फ़ के टुकड़े रख लीजिए, किसी बाउल के अंदर आप बर्फ़ के टुकड़े रखें, उसके अंदर आप अपना क्रीम वाला बाउल रखें, उसके बाद आप इसे बीट कीजिए। तो यहाँ पर मैं इसे पहले 1 मिनट के लिए लो स्पीड पर बीट करूँगी, उसके बाद में मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूँगी और हाई स्पीड पर मैं इसको तब तक बीट करूँगी तब तक कि ये अच्छा क्रीमी बनकर तैयार ना हो जाए, एकदम थिक यानी बिल्कुल हल्का सा ये आपको नज़र ना आने लगे। तो करीब 2 से 3 मिनट हमें लगे हैं और यहाँ पर ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरीके का हो चुका है। तो बस अब इससे ज़्यादा हम इसको अभी बीट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर आप चाहे तो पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल सकते हो। आइसिंग शुगर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिसी हुई चीनी डालिए, साथ ही आप इसके अंदर यहाँ पर ये 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल दें, कॉर्नफ्लोर जिसको कॉर्नस्टार्च भी कह सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पर इसको सूप वगैरह को थिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको आइसिंग शुगर बनानी है तो इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे यहाँ इस एरो पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर आपको एक लिंक भी नजर आएगा जिस पर क्लिक करके आप मेरी सभी रेसिपीज को देख सकते हैं। लेकिन आइसिंग शुगर और यहाँ पर मलाई बनाने का जो लिंक है वो मैं आपको अलग से भी सेंड कर दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर मेरे सारे लिंक देख सकते हैं। तो ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये आइसिंग शुगर डाल दी है, मिला लेंगे इसे अच्छे से, बहुत ही आराम से आप इसे मिलाइए, कहीं आपकी जो आइसिंग शुगर है वो उड़कर आपके मुंह के ऊपर ना आ जाए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पर ये 1 बड़ा चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है, आपको ये मार्केट में इजिली मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आइसक्रीम का आएगा आपको, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और अब हम इसके अंदर यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। तो दूध मैं इसके अंदर यहाँ पर 2 बार डाल रही हूँ, पहले मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 1/2 कप दूध डाल दूंगी, दूध को भी मैंने एकदम अच्छी तरह से ठंडा करके लिया है। दूध डालने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे।
अगर आप इसे मिक्सी के अंदर बना रहे हैं तो मिक्सी को आप 15 सेकंड के लिए चलाइए, फिर रोकिए, फिर चलाइए। इस तरीके से आपको चलाना है लगातार, आपको इसे मिक्सी के अंदर नहीं चलाना है, नहीं तो इससे मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे से आप इसे मिक्सी के अंदर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से वीट कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा थिक नज़र आया इसलिए मैंने इसके अंदर 1/4 कप दूध और डाल दिया है। मैंने बिल्कुल ठंडा दूध इसके अंदर ऐड किया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसको यहाँ पर एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर निकाल देंगे। आपके पास कोई भी एयर टाइट कंटेनर है तो उसके अंदर आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है, बच्चों का कोई टिफिन है, लंच बॉक्स है, उसके अंदर भी आप इसे निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से हल्का सा इसको टैप कीजिए ताकि जो इसके एयर बबल्स हैं वो निकल जाए, और उसके बाद आप इसको इस तरीके से सिल्वर फॉइल से कवर कीजिए। अब इसका ढक्कन हम इसके ऊपर से कवर करेंगे और इसे हम फ्रीज़र के अंदर करीब 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दूंगी और 8 घंटे के बाद मैं इसको यहाँ पर चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए, आइसक्रीम हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। अब इसे सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर ये आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके लिए कोई भी छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए, घर के दूध से बनी एकदम यम्मी, हमारे मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। तो इंजॉय कीजिए आप इस रेसिपी को, बिल्कुल मार्केट से कम आपको ये रेसिपी बिल्कुल नहीं लगेगी। पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आगे आप किस तरह की रेसिपी को चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मैं आपकी सभी रेसिपीज को आपके साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करती रहूंगी। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बाकी रेसिपीज को भी देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरी बाकी रेसिपीज को भी देख सकते हैं।